प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यो, याद आ गया ना? तुम इधर? हाँ मैं इधर। लॉकअप से क्यों छूटे? मतलब कब छूटे? बल तो यहाँ आने का कोई खास प्रयोजन? क्या यार, एक दो दूसरे दोस्त से मिलने नहीं आ सकता क्या? है ना, मैं इधर से जा रहा था तो तभी मुझे याद आया कि तू इधर ही रहता है, तो बस सोचा तुझसे मिलता चलूं। मिलता चलूं कि हफ्ता लेता चलूं? एक्सक्यूज मी। हाँ बोल पक्या। क्या नहीं दे रहा? दे, उसको फुल खर्चा पानी दे। तब तक देता रहे जब तक मैं वहां ना पहुंचूं। मैं मिडनाइट के फ्लाइट से पहुंचता हूं। क्या है ना, अभी के फ्लाइट का टिकट बहुत महंगा होता है। देता रहे उसको खर्चा पानी जब तक मैं वहां ना पहुंचता हूं। हाँ चल रख, अभी चल दोस्त, मैं निकलता हूँ अभी बेंगलोर पहुंचने का। बेंगलोर? आपकी ब्रांच बेंगलोर में भी है? जिधर जिधर पैसे वाले उधर उधर अपनी ब्रांच है। अरे हाँ, तेरे को एजेंट है पहचान का, वो फ्लाइट का टिकट करवाना है। नहीं, हम लोग तो कभी प्लेन में जाते ही नहीं है, बस से ही जाते हैं जिधर जाना होता है। अच्छा ठीक है, मैं हफ्ते बाद आता हूँ वापस। आने के बाद करते हैं पार्टी एकदम आराम से। चल आ जा, चल एंजॉय। हे भगवान, आ तो जम घर भाड़ी गयो। ये आपने क्या किया भगवान? एक तरफ खुशी, एक तरफ गम, नहीं समझे? एक तरफ नारी रत्न, दूसरी तरफ नरकंकर। अरे हफ्ते बाद को यहाँ कहाँ भेज दिया? अभी ये घर देख गया है तो बैंड बजाएगा मेरी, क्या करूँ? फायर ब्रिगेडियर मेहता साहब आ गए होंगे बारगांव से, उनसे जाके मिलता हूँ। अरे मेहता साहब किधर है आप, कहाँ घूमते रहते हैं? अरे यही तो भाई, आओ जेठालाल आओ। अरे क्या आओ? अरे मेहता साहब आप तो मस्त घूमते रहते हैं, इधर मेरी वाट लग गई है। जेठालाल बैठो तो सही और शांति से बताओ कि हुआ क्या है। बैठो। अरे भाई शांति का तो नाम ही मतलब, मेरे जीवन में शांति है ही नहीं। जेठालाल तुम्हारी प्रॉब्लम क्या तुम्हें पता? असल में तुम बहुत नकारात्मक सोचते हो, इसलिए तुम्हारे साथ सारी चीजें भी नकारात्मक होती है। अरे भाई मैं तो चाहता हूँ कि मैं हकारात्मक सोचूं, लेकिन मेरे जीवन में एक से बढ़कर एक जो परेशानी आती है ना, तो हकारात्मक का ह कब नकारात्मक के न में परिवर्तित हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्रोफेसर जेठालाल सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन अभी सबसे पहले जो एक चीज ठीक करनी है वो ये है कि हकारात्मक कोई शब्द नहीं होता, सकारात्मक होता है। सकारात्मक क्यों? क्यों मतलब? अरे ना का नकारात्मक होता है तो हाँ का हकारात्मक ही होना चाहिए ना, बीच में सौ कहाँ से घुसा? जेठालाल। तारक गर्मा गर्म पुदीने वाली चाय तैयार। जेठा भाई। आह बिल्कुल सही समय पे आई हो। लीजिए लीजिए जेठा भाई आपकी चाय। अरे मेरे लिए भी चाय बनाई आपने, आपको कैसे पता चला मैं आया हूँ? वो क्या है ना जेठा भाई, आप और तारक इतनी धीरे से बात कर रहे थे ना कि मुझे सारी बात किचन में सुनाई दी। पीजिए चाय। हाँ। ये चाय है क्या, गरम जूस? जेठा भाई ये चाय है। पर ये हरी है। हाँ इट्स अ हर्बल टी, ग्रीन टी, पीजिए सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अभी बताओ
ऐसे में मैं कैसे हकारात्मक बनूं? सकारात्मक, हकारात्मक। अरे एक मिनट, क्या बनूं? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ। हाँ तो चाय पीजिए। अंजलि भाभी ये चाय मैं सॉरी नहीं पी सकता। क्यों? वाह दया कह रही थी आज हमारा कुछ है तो मुझे पूरा दिन उपवास रखना पड़ेगा। हाँ तो उपवास में चाय तो चलती है जेठालाल, इसमें कोई अनाज नहीं है, पियो पियो। नहीं मतलब बाहर की कोई भी चीज खाने पीने को मना किया दया ने। हाँ तो जेठालाल यहाँ बाहर कहाँ है, ये तो तुम्हारा खुद का घर है, पियो। हाँ पीजिए। निर्जड़ा उपवास है, सकारात्मक। करेक्ट, सकारात्मक। हाँ फिर तो नहीं पी सकते। अरे भाई चाय को छोड़ो ना भाई, मैं जो प्रॉब्लम बोला है वो सुनो ना। हाँ अभी प्रॉब्लम है, अभी चाय छोड़ो। क्या क्या? पहले प्रॉब्लम बोलो। मेहता साहब वो जो गुंडा मुझे जेल में मिला था ना, वो अभी घर पे आया था। जेल? गुंडा? तुम जेल कब गए? आपको नहीं पता? नहीं। कहाँ थे आप? अरे हम लोग तो जोधपुर गए हुए थे ना। अरे हाँ तो आपको और अंजलि भाभी दोनों को कुछ भी नहीं पता? हाँ। अरे अंजलि भाभी मेहता साहब मैं एक दिन पूरी रात अपना गोडाउन में फंस गया था। कैसे हुआ? यूं के भैया भाभी ने तो ये बड़ा बहादुरी का काम किया जेठालाल। ये तो है। अरे एकदम बहादुरी का काम किया दया ने, इसीलिए वडनगर की नारी संस्था वाले उसे नारी रत्न का पुरस्कार देना चाहते हैं। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है जेठालाल। वडनगर की नारियों ने तय किया है। ये तो अच्छी बात है लेकिन वो बुरी बात का मैं क्या करूँ? क्या जेठालाल अब बोल रहे हो कि अब क्या करूँ? तब क्या हुआ था जब उस गुंडे के सामने अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया तुमने? तभी मैं कच्चे में था तो मेरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। जेठालाल पर तभी मुझे थोड़ी पता था कि वो हफ्ता ओसली वाला गुंडा है। पर चलो इससे एक बात तो अच्छी हुई। अच्छी बात क्या हुई इसमें? हमें हफ्ता मिल गया। हफ्ता? अरे भाई वो गुंडा एक हफ्ते के लिए गया है ना, तो हमें सोचने के लिए एक हफ्ता मिल गया पूरा। अब इस हफ्ते में सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। मतलब आग आज लगी है और आप अपना फायर ब्रिगेड का बम्बा हफ्ते के बाद लेके आएंगे? जेठालाल जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता भाई, ये एक ऐसा मसला है जिसपे सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और जब तक आप सोचेंगे तब तक वो बेंगलोर से वापस आ गया तब। अरे तो पुलिस कहीं चली गई है क्या? पुलिस स्टेशन तो खुले है ना। अरे भाई पुलिस के पास जाना होता तो आपके पास क्यों आता? हाँ जेठा भाई वो कहते हैं ना कि हॉस्पिटल कोर्ट और पुलिस स्टेशन भगवान अपने दुश्मन को भी ना दिखाए। फिर जेठालाल डोंट गेट पैनिक, आई विल थिंक अबाउट इट एंड डू समथिंग। ओके तो फिर से आपका कभी कांटेक्ट करो सर। आई लेट यू नो। चड्डी गैंग सर, ये चड्डी गैंग की फाइल। चड्डी गैंग का पूरा केस मैं स्टडी कर चुका हूं कदम। कहां है वो लोग? प्लीज आइए सर। सलाम सर। साहब जो पूछे उसका सही सही जवाब देना। ए चड्डी गैंग तुम लोगों के पीछे कौन है? इंस्पेक्टर कदम। मजाक करता है? लॉकअप में मजाक? एक साल के लिए जब अंदर होगा ना तो ये सारा मजाक भूल जाएगा। साहब देख लेना हम लोग जल्दी ही छूट जाएंगे। ए! साहब के सामने जबान चलाता है? जबान नहीं चलाता हूं साहब, जबान दे रहा हूं। हम यहां नहीं तो कोर्ट में तो छूटी जाएंगे। हम तुम्हें छूटने नहीं देंगे कदम। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ओवर कर देता है।
ए चड्डी गैंग, हमारे पास बहुत मजबूत चश्मदीद गवाह हैं। दया बहन, टप्पू, चाचा और सुंदर। और जब इन लोगों ने गवाही दे दी ना, तो एक साल के लिए हवालात में जाकर हवा नहीं हमारी लात खाओगे। सर, सर, एक मिनट के लिए इधर आइए। चलो सर, अगर हम सिर्फ दयाबेन की ही गवाही ले तो? क्यों सर, चाचा जी बुजुर्ग है और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, ऐसा इनके वकील ने कहा तो। और टप्पू बच्चा है सर, बच्चों में गिनती होगी। और मिस्टर सुंदर, वो तो मुंबई में रहती ही नहीं है, वो तो अहमदाबाद से आना जाना करते हैं। और वकील अक्सर गवाहों को उलझा देते हैं। गुड पॉइंट कदम। थैंक यू सर। और दया बहन बहुत हिम्मत वाली औरत है, उनकी गवाही काफी है। यस सर। चड्डी गैंग, अब तुम लोगों का बचना बहुत मुश्किल है, समझे? गवाही, वो भी हमारे खिलाफ। कौन इतनी हिम्मत करेगा? अब हम यहाँ बैठे क्या कर लेंगे? हाँ, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। अब तक तो मेरे बहन को पता चल गया होगा कि मैं यहाँ लॉकअप में हूँ, और अब तक तो उसने मेरे जीजा जी को मुझे छुड़वाने के काम पर भी लगा दिया होगा। अब जो भी करेंगे वो मेरे जीजा जी करेंगे। शायद इन पुलिस वालों को पता नहीं मेरे जीजा जी कौन है। जिस कान से तू मेरी आवाज सुन रहा है ना फोन पे, अगर कल तक हफ्ता नहीं दिया तो उसी कान के नीचे गोली की आवाज सुनेगा। बंद कर अपना मुंह और फोन भी। जानी, ये हवाले के धंधे में अभी बरकत नहीं रही। उसको भेज मेरे पास, क्या नाम है उसका? किसका? चिमन। हाँ चिमन, okay. उसको बोलो रिपोर्ट करेगा मेरे को। भाई माफ कर दो, भाई भाई मुझे माफ कर दो, भाई भाई मुझे माफ कर दो। कौन है ये? पहले ये अपने गैंग का खबरी था, अब पुलिस का खबरी बन गया। ओह, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। हमारे खिलाफ जो जाता है ना, वो फिर कहीं जाने के काबिल नहीं रहता। बस मुझे माफ कर दो, बस मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं आएगा बस। राणा, अगर अपने दुश्मनों और गद्दारों को ऐसे ही माफ करते रहता ना, तो मुंबई का इतना बड़ा डॉन नहीं बनता। बस मुझे माफ कर दो, बस। घर का भेदी लंका ढाए, और अब ये जाए तो कहाँ जाए? जंगल छोड़ दो इसको, ऐसे हेलीकॉप्टर में लेके जाना, ऊपर से फेंक देना, जंगली जानवर भी खुश हो जाएंगे, दुआ देंगे। बस मुझे माफ कर दो, बस, बस मुझे माफ कर दो, बस। जरा यहाँ आएंगे? हाँ, अभी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। तुम जानते हो ना, मेरा भाई गण्या पुलिस लॉकअप में बंद है। हाँ पता है। तो उसे अभी तक छुड़ा क्यों नहीं? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ डार्लिंग। देख, अगर मैंने जल्दबाजी करी ना, तो पुलिस को मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। और अगर दुनिया को ये पता लग गया कि गण्या मेरा साला है, तो जितने मेरे दुश्मन वो सारे गण्या के हो जाएंगे। मतलब उसकी जान को खतरा हो जाएगा ना। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे कुछ भी करके गण्या पुलिस लॉकअप से बाहर चाहिए। बस फोन। कितनी बार बोला है तेरे को कि हम जब आपस में बात कर रहे हो तो बीच में डिस्टर्ब मत किया कर। दफा।
पता ही नहीं, इसका रंबा नहीं है, बिजली का खंबा है। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, खंबा मेरा मतलब रंबा। थोड़ा थोड़ा मुश्किल काम है ना, अब आलू गोभी थोड़ी है कि जाके खरीद के ले आए। मुश्किल तो तुम्हारे लिए हो जाएगी अगर मेरा भाई गणेश पुलिस लॉकअप से बाहर नहीं निकला तो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे कुछ भी करके मेरा भाई गणेश पुलिस लॉकअप से बाहर चाहिए, वरना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रंभा, रंभा सुन, रंभा मेरी बात तो सुन। अरे कभी तो सुन लिया कर मेरी बात। ये मेरा साला भी ना, कभी मोबाइल चुराता है, कभी टीवी चुराता है, कभी कभी घड़ी। इतना बड़ा डॉन, मुंबई का सबसे बड़ा डॉन मैं, और ये साला चिंदी चोर। कितनी बार कहा है कि तू रहे यहाँ पे, ऐश कर मेरे साथ, कुछ मत कर, खाली बैठ अपनी बहन के साथ। नहीं मैं तो अपना गैंग खोलूंगा। खोल अब जेल में अपना गैंग। हे भगवान, इंसान किसी भी औरत से शादी करे और डाकू की बेटी से कभी ना करे। जॉनी, कुछ भी करके मेरे को मेरा साला लॉकअप के बाहर चाहिए। बस बॉस, एक मुश्किल है। बॉस, एक औरत इस चोरी की चश्मदीद गवाह है। कौन है औरत? दयाबेन नाम है उसका, उसके पति की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है। कुछ भी करके आज के आज मेरे को सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन है जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक चलाता है? उसके माँ बाप, भाई बहन, बीवी कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ। ओके बॉस। मिशन पेन। यस बॉस। मदन, ये पेन, इसके अंदर इधर कैमरा है। हर एक की तस्वीर चाहिए, और अभी के अभी जाओ और गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की सारी इंफॉर्मेशन लेकर। क्या बात करते हैं सेठ जी, गुंडा आपके घर तक आ गया। और अभी एक और गुंडा दुकान में आ रहा है। क्या वो देखिए, क्या सेठ जी आप भी, ये गुंडा थोड़ा है लेकिन ये बाघा भी गुंडे से कम नहीं है। कैसे? गुंडा हथियार से डराता है, ये बाघा अपनी बातों से डराता है। नमस्ते सेठ जी, पाई लागो नट्टू काका। क्यों तो रे दिख रहा, बोलो कैसे आना हुआ? साइकिल से। देखा? मैंने कहा आपने इसे साइकिल से आते हुए देखा है। कैसे आना हुआ मतलब भाई, क्यों आना हुआ? सेठ जी, आपके लिए काम लाया हूँ। ओहो हो हो हो, आप मेरे लिए काम लेके आए हैं? हाँ सेठ जी, बहुत बड़ा काम है। अच्छा? एक बहुत बड़ी पार्टी है। अरे वाह, कहाँ, कितने बजे? नट्टू काका, पार्टी मतलब वो वाली पार्टी नहीं, एक बहुत बड़े क्लाइंट है सेठ जी, एन के माथुर। वो बहुत बड़ी होटल बना रहे हैं और उनकी होटल के लिए कम से कम 200 लाख के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की जरूरत है। 200 लाख? मतलब 2 करोड़? हाँ हाँ, 2 करोड़। 2 करोड़? हाँ सेठ जी, ये लीजिए उनके रिक्वायरमेंट की लिस्ट। हाँ हाँ हाँ, 60-32 इंच के LCD, 50-20 इंच के LCD, 50-100 लीटर का रेफ्रिजरेटर, 50-165 लीटर के रेफ्रिजरेटर, 50 माइक्रोवेव, 70 टेलीफोन। अरे वाह बागा वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो देखा सेठ जी, और आप क्या कह रहे थे कि दुकान में एक और? शांति रखिए, शांति रखिए, मजा आ गया बागा, मजा आ गया। वाह थैंक यू सेठ जी। तो बोल बोल, कभी मिलने जाना इनको? नहीं नहीं सेठ जी,
क्या है वो माथुर साहब आज रात की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, तो मैंने उन्हें आपसे मिलने के लिए 12 बजे यहाँ दुकान पे ही बुला लिया है। ये तूने बहुत अच्छा किया, क्या दुकान पे आ जाएंगे ना तो जितने भी मॉडल है वो सब देख सकेंगे और उसमें से वो सिलेक्ट करके फाइनल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में अभी तक तो उनके खुद के साले साहब भी मुसीबतें लेके आते थे, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि दूसरों के साले भी मुसीबतें लाने लगे हैं। डॉन राणा ने जेठालाल के बारे में क्यों जानकारी चाहिए, क्या करने वाला है वो भाई? यहाँ पे हास्य के साथ बहुत सारा रोमांच होने वाला है, लेकिन एक खास बात जो आज आपसे करनी है वो ये है कि आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे 3 वर्ष हो गए हैं। भाई, 3 रंगों का बड़ा महत्व है। 3 पवित्र नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, हम मानते हैं ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमारे तिरंगे के 3 रंग। और वैसे ही टेलीविजन का जब आविष्कार हुआ था तब 3 चीजें मुख्य थी, ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन। और उन्हीं 3 रास्तों पर चलते हुए हमने आपको दिया हंसी, खुशी और मुस्कुराहट, और आपने हमें पहनाया 3 चीजों का ताज, प्यार, मोहब्बत और विश्वास। और यकीन मानिए, इस ताज की रक्षा करना ही हमारा फर्ज हो गया। आपने जो ये ताज पहनाया है, इसके लिए हम बेहद हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। और 3 वर्ष पूरे होने की खुशी में बधाई हमको भी, बधाई आपको भी। और यकीन मानिए, हम इस ताज की रक्षा करेंगे और आपको हमेशा ऐसे ही हंसाते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कल क्या होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.